दरभंगा एसएसपी बाबूराम के दिशा निर्देश पर एसआईटी बल के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां दुनार चौक पर एक स्कूटी सवार दो व्यक्ति को जब पुलिस चेकिंग कर रहा था तो उसे देख करके भागने लगा। इसी में पुलिस ने धर दबोचा और उसके पास से जांच के क्रम में नशीली दवा एवं चाकू और हथौड़ा बरामद किया गया है, जिसके बाद एसआईटी के टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और बेताउपी के हवाले कर दिया है। वहीं एसआईटी बल के प्रभारी मदन प्रसाद ने बताया कि दोनों लड़का बहादुरपुर थाना क्षेत्र के भैरोपट्टी निवासी है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? क्या लड़का, क्या नाम है? पापा का क्या नाम है? बाबू जी क्या नाम है? अरे बाबू जी क्या नाम है? बाबू जी का नाम पूछ रहे हैं। अरे बाबू जी का नाम क्या है? कहाँ घर है? चाकू और टैबलेट तुम्हारे हाथ में नशा क्यों है? कहाँ पर पकड़ा हो? तुम्हारे पास कहाँ से आया तुम्हारा? जख्म का दवा है कि और चीज का दवा? प्रशासन रोक रहा था गाड़ी, तुम क्यों भागे? नहीं सॉरी गलती, वो 20 मिनट आगे वाला हो गया था। हेलमेट दवा है, हथौड़ी क्यों रखे हो? हथौड़ी बच्चे का बाहर में खोज के चलते। हथौड़ी कहाँ घर है? कौन खाना है? ये लोग पुलिस के देख करके भागे तो उसी शक पर हम लोग पकड़े हैं। कौन लोग भागे हैं? दो लड़का भागे हैं स्कूटी से, भैरोपट्टी के हैं, एक काशी परवेज और एक अमन बता रहा है नाम। तो हम लोग इसको वेरीफाई के लिए बेता क्षेत्र में पकड़ाया है, बेता थाना प्रभारी के पास। उसे चेकिंग के क्या क्या बरामद किया गया उसके पास से? उसके पास एक छोटा सा चाकू था और एक टैबलेट था, उसके बारे में हम एक टैबलेट तीन चार टैबलेट था एक था और एक के पास तीन चार टैबलेट था। इसे ये बताइए कि जो काला शर्ट का मामला है, काला शर्ट का क्या मामला है? काला हमने काला कपड़ा पर संदेह मतलब आया है, इसलिए वेरीफाई के लिए थाना भेज दिए हैं और थाना प्रभारी इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या आज कुछ मामला हुआ है काले कपड़े वाले जैसे लोगों का? हम लोग तो चेकिंग कर रहे हैं, सघन चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर कर रहे हैं? अभी दोनों चौक। क्या नाम हुआ आपको? मदन प्रसाद। काला शर्ट ऐसे ही संदिग्ध में हम लोग जो है अभी पूछताछ हेतु बेटा इसको भेज रहे हैं, आप बेटा के थाना प्रभारी इसको भेज रहे हैं। जमा और हथौड़ी वगैरह पाया गया है? हाँ, उसका वेरीफाई होगा। कहाँ से जमा लाया गया? भाग रहे थी क्यों? अच्छा तो ये हथौड़ी कहाँ का? भाग क्यों रहा था? बैठा हुआ है। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता छोड़ें। रेडिएंट एजुकेशन आपके लिए लेके आया है इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएचएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, डेंटल, बीएएमएस। इन सभी फैकल्टी के साथ बीएड, डीएलएड में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। पता है भैरोपट्टी चौक सुधा मेडिकल के पास। कॉन्टैक्ट नंबर है 7737437982। दूसरा मोबाइल नंबर है 9999807927। रेडिएंट एजुकेशन ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीसीए, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जो कि नामांकन की सुविधा काउंसलिंग के थ्रू और मैनेजमेंट सीट्स के थ्रू होती है। हमारा ये ऑफिस दरभंगा में भैरोपट्टी चौक नियर सुधा मेडिकल हॉल में है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी परामर्श केंद्र उपलब्ध है, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा NIRF रैंकिंग कॉलेजेस, NBA रैंकिंग कॉलेजेस और NAC A ग्रेड कॉलेजेस में एडमिशन की सुविधा उपलब्ध होती है। उसके अंतर्गत जो भी सुविधाएं हैं, स्टूडेंट को किस तरह लाभ मिलता है, ये सारे परामर्श हमारे सेंटर में दिए जाते हैं।